बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के फजल करम से, वालिदैन की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश। पिछले दो दिन बुखार रहा, खूब समझ लें कि सख्त बुखार रहा, तो आज उठा हूँ, बिल्कुल फ्रेश उठा हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। पता नहीं पानी का कोई मसला था या क्या था या फूड पॉइजनिंग थी, जो भी था, बहरहाल आज बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो नाश्ता किया है, खुशबूदार सुबह है, फ्रेश सुबह है, ताज़ा ताज़ा। और नाश्ता करने के बाद बस अभी जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसमें लग जाते हैं। काम तो ख़ास कोई इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकाल ही लेंगे, ढूँढ ही लेंगे। कल शाम को भाई सज्जाद, जो हमारे समझ ले कि घर के फैमिली प्लम्बर हैं, क्योंकि इस घर में सारा जो है ना वो काम पानी की वायरिंग का, वाशरूम्स का, सारा उन्होंने किया है, तो वो कल आए थे और उन्होंने गीज़र सेट किया था, क्योंकि अभी मौसम ना काफ़ी हद तक चेंज। नीचे से हुमैरा को कहूँगा कि साफ़ कर ले। ये गीज़र पिछले साल का रखा हुआ है, जब अब्बा जी इधर थे उनके लिए लगवाया था। तो पिछले साल हमने शायद इसको लगवाया नहीं, हाँ पिछले साल हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसे इसको संभाल के रखा हुआ था बिल्कुल एज इट इज़, जैसे इसको लिया था बिल्कुल। सज्जाद भाई भी कह रहे थे कि अली भाई इतना आपने संभाल के इसको रखा है, तो इस पर कोई ख़राश तक नहीं आई, क्योंकि हमने उतरवा के रख लिया था। तो अभी इसको दोबारा लगवा लिया है। और ये जो पुराने किचन वाला सिलेंडर है वो हमने यहाँ पे लगा लिया है, और किचन के लिए हमने जो है ना वो नया सिलेंडर बिल्कुल फ्रेश पीस मंगवाया था। तो कुछ इस तरह का सीन कल शाम को हुआ। ये हुमैरा को कहूँगा कि ये ना सारी सफाई कर दे इधर। तो अभी देखते हैं कि आज क्या काम करना है, क्या काम निकलता है, उसके मुताबिक जो भी हुआ वो फिर आपके साथ शेयर करें। जुमेरात, और जुमेरात वाले दिन आते हैं भाई निसार शेव बनाने। तो पिछले तकरीबन एक महीने से ना मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा जब वापस आऊँगा ना तब फिर मैं आपको कॉल करूँगा, बता दूँगा, तो फिर आप आ जाइएगा। तो अभी सुबह मैंने उनको किया कॉल, तो वो कह रहे थे कि भाई मैं आके रखती है, इधर बैठ के शेव वगैरह बना लेंगे। बिल्कुल निखरी निखरी सुबह है भाई, धूप साफ़ सुथरी निकली हुई है। टाली को इस बार हम छांगेंगे नहीं, इसकी कटाई छदराई नहीं करेंगे, पत्ते खुद ब खुद ही गिर जाएंगे, और जो टहनियां हैं वो जैसी की तैसी रहेंगी। और फिर जो गर्मी का मौसम जब शुरू होगा तो फिर इसमें से नए ताज़े शाखें निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, तो वो छाऊँ ज़्यादा बनाएंगे। फिर चले बंदा गर्मी के नीचे में ना, जब कोई ऐसा वैसा आता है बंदा तो फिर नीचे बैठ जाता है चार पाई रख के। तो इसको इस बार हम ना काटेंगे नहीं, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी हो गई है टहनियाँ, पत्ते खुद टाइम बाल कटवाए थे, सारा दिन काम करता रहा, और अभी नहाया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और आज इन माँ बेटियों ने मिल के साग इकट्ठा किया है, बनाया है, सुबह ये पकाएंगी तीनों यहाँ पे मिलके, दोनों मिलके, मैं और अम्मा जी, तो देखेंगे इनकी हालत। तो अम्मा जी और बाजी को कहा है कि इधर ही सुबह पका लीजिएगा, लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, चूल्हा भी है लकड़ी वाला, तो इधर ही सारा कुछ सुबह करेंगे, रात जो है ना वो खूब गहमा गहमी होगी। नहीं इतने सवेरे पका लवे जी, की खाना पीना असल में ना सुबह हुमैरा ने बनाई थी फिश, जो मैरिनेटेड फिश थी, तो वो हमने खाई, अम्मा जी ने नहीं खाई भाई, हम क्यों झूठ बोले, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने खाई थी, लेकिन अभी वो हैरान परेशान है बस। सवेरे पका के तो जो इत कोट कूट के देवे छा फिर तेरे कपड़े सुके तो कोई नहीं, नहीं आहो है
आहो नहीं इतने पै रहे मैं इतने पै रहे कि वाह बगदी सवेरे इतने एक धुप होर लगे तो मसा मर के ना सुकना अबू भी बीमार हो मसला वाकई डॉक्टर बड़ा काबिल शाहद फिदा जी गोली ला सी ब्लड सेट हो जाए अपनी पसंद होती है।
तमाकू 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 तो नहीं है ना तो अपना को नहीं लिया दुद्ध नहीं होने पनीरियां को लगदियां रुपये पिछले साल नहीं लाया पिछले साल तमाकू गल ਡੈਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਾ ਲਾ ਦਿਓ पका लो फिर कोई नी जब अपना दूजे फोन से मैं फोन कर लिया ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਜਿੰਨੂੰ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਿਆ ਜੀ ਅਸਲਮ ਦੇ ਕਰ ਮੇਰਾ ਅਮਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਜੀ ਸਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਉਨਕੋ ਸੁਲਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਔਰ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੁਬਹ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪਕਾਨਾ ਹੈ ਸਾਗ ਤੋ ਸੁਬਹ ਕਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਦੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਅਮਾਨਿਲਾ।